रुक करेंगे अब प्रदेश की ओर। बिलासपुर जिला के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों की समस्याओं के समाधान के मद्देनजर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दियोड में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश की सहकारिता एवं माफ कीजिएगा शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने की। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई, साथ ही निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन भी किया गया। बिलासपुर जिला के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों की समस्याओं के समाधान के मद्देनजर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दियोड में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश की शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने की। वहीं कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनियां भी लगाई गई थी, तो साथ ही निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर का भी आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने एक बूटा बेटी के नाम और बेटी है अनमोल योजना कार्यक्रम के तहत नवजात बच्चियों को FD और एक पौधा भी दिया, तो साथ ही पोषण आहार सप्ताह दिवस के खास मौके पर स्थानीय ग्रामीणों व अधिकारियों को पोषित आहार लेने और स्वास्थ्य रहने का संकल्प भी दिलवाया। जनमंच कार्यक्रम के दौरान नैना देवी से कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर और BJP के पूर्व विधायक रणधीर शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं जनमंच के दौरान विभिन्न पंचायत से संबंधित लगभग कई समस्याएं और मांगे सामने आई, जिनमें से अधिकतर समस्याओं का निपटारा मौके पर कर दिया गया, जबकि अन्य बची हुई समस्याओं को 10 दिन के भीतर निपटाने के आदेश दिए गए। जनमंच जो है प्रदेश सरकार का बहुत जहां महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, वही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उपयुक्त कार्यक्रम की घोषणा सरकार बनते ही वर्ष 2018 के बजट भाषण के दौरान की गई। वही मैंने आपसे कहा ये कार्यक्रम अपने उद्देश्य पर खरा उतरा है और एक विकास के लिए मील का पत्थर भी साबित हुआ है। इस कार्यक्रम की सफलता का अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि अलग अलग जिलों में अभी तक आयोजित जो 16 जनमंच हो चुके हैं, जिसमें लोगों द्वारा काफ़ी मामले प्रस्तुत किए गए और जनमंचों के माध्यम से अधिकांश मामलों को मौके पर ही निपटाया गया है।